हेलो एंड वेलकम बैक टू माय किचन पैम्स किचन। आज की रेसिपी बहुत ही यूनिक, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही जल्दी से बनने वाली एक रेसिपी है, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। ये मैं ले रही हूँ 1 कप कुसकुस, इसको कुसकुस बोलते हैं मोरक्कन, ये मोरक्को में बहुत खाई जाती है। और इसको जो हम है 1 कप अगर मैंने लिया है तो 1 कप तो पूरा गर्म पानी हम डालेंगे और 1/4 कप एक्स्ट्रा डालेंगे, मतलब 1 के साथ 1/4 की रेशो रहनी चाहिए। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल और थोड़ा सॉल्ट इसमें डाल करके मिक्स करके अच्छे से, और फिर हम इसको ढक के रख देंगे आधे घंटे के लिए। तो इस तरह से ये जो कुसकुस है ये बहुत ही हेल्दी, बहुत ही प्रोटीन से भरा हुआ, फाइबर से भरा हुआ, इसकी एक बहुत अच्छी ये रेसिपी हम बना रहे हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो इसको मैंने ढक कर के रख दिया है और अब हम इसकी ड्रेसिंग तैयार करेंगे। ड्रेसिंग के लिए मैंने लिया है 1 चम्मच ऑलिव ऑयल और उसमें हम डाल देंगे 1 या 1.5 नींबू का रस, वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। कुटी हुई लाल काली मिर्च, थोड़ा नमक, नमक हमने कुसकुस में भी डाला है, और 2 चम्मच के करीब ये शहद है। ये शहद इसको बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। तो इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे। मैंने यहाँ काली मिर्च यूज़ की है, आप अगर चाहो तो लाल मिर्च भी डाल सकते हो। अगर थोड़ा स्पाइसी खाना है तो कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इन सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे, अच्छे से ब्लेंड कर देंगे और ये हमारी सैलेड की ड्रेसिंग तैयार हो गई है बिल्कुल। और अब जो हमने इसमें सब्जियां यूज़ करनी है, ये मैंने लिया है प्याज, लाल कैप्सिकम, ये इंग्लिश खीरे जो आजकल आ रहे हैं सर्दी में, और ये चेरी टोमेटो, बहुत ही टेस्टी होते हैं और बहुत ही हेल्दी होते हैं चेरी टोमेटो भी। तो ये मैंने सब्जियां ली हैं, बाकी आपकी चॉइस है, आप सब्जियां कोई भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। और ये देखिए आधे घंटे बाद हम अपना कुसकुस देख रहे हैं, तो ये बिल्कुल तैयार है जो हमने गर्म पानी में इसको भिगो करके रखा था। कोई उबालना नहीं, कोई कुकिंग नहीं, कुछ भी नहीं। आप कभी भी, आपके पास टाइम नहीं है, फटाफट से इसको भिगोएं और बस फिर अपनी फुल मील बना लें। कोई भी, कभी भी डिनर में, नाश्ते में, लंच में, कभी भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा जो कुसकुस तैयार हुआ है उसको मैं सैलेड बॉल में डालूंगी और फिर हम आगे इसकी जो है रेसिपी प्रॉपर तैयार करते हैं। तो इस तरह से ये देख रहे हैं कितना सुंदर हमारा कुसकुस फूल करके रेडी हो गया आधे घंटे में। और फिर मैं इसमें जो मैंने सब्जियां काट के डाली रखी हुई हैं, लाल शिमला मिर्च, खीरा, चेरी टोमेटो और अनियन, रेड अनियन ये है, तो ये सब चीज़ें हम इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो और भी कुछ डाल सकते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे हमारा प्रोटीन पोर्शन जो इसको और भी खास बनाएगा। ये उबले हुए चने हैं, खाली नमक में उबाल करके रखे हुए हैं। ये भी जैसे पड़े ही होते हैं, कोई भी बीन्स आप इसमें डाल सकते हैं, राजमा भी डाल सकते हैं। तो ये सब चीज़ों को हम इसमें अब मिक्स कर देंगे। फिर हम डालेंगे इसमें जो हमने ड्रेसिंग तैयार करके रखी थी सैलेड की। ये ड्रेसिंग इसको बहुत ही अच्छा एक खट्टा मीठा सा टैंगी सा फ्लेवर देती है शहद के साथ जब हम मिक्स करके इसको बनाते हैं। और इस तरह से ड्रेसिंग को मिक्स करके फिर हम इसमें डालेंगे खूब सारा कटा हुआ पुदीना जो इसको 4 चांद लगा देगा। तो ये पुदीना इसमें बहुत ही अच्छा लगता है। आप बनाओ इसको, फिर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखना कि आपको मेरी ये यूनिक नई सी रेसिपी कैसी लगी जो हमने एफर्ट्स करके आपके लिए लेकर आए हैं। और ये बहुत ही फिलिंग होता है, बहुत ही हेल्दी होता है, वेट लॉस रेसिपी है। कभी भी आप बना करके इसको साइड डिश या वैसे भी पार्टी में, मैंने दिवाली पर भी सबको ये सर्व की डिश और सब ने बहुत ही प्रेज़ करी। तो अगर आप भी प्रेज़ करना करवाना चाहते हैं तो ये बनाइए सैलेड और खाइए और खिलाइए अपने फ्रेंड्स को। और देखते रहिए मेरे साथ पैम्स किचन पे और नई नई रेसिपीज़। फिर मिलेंगे अपनी किसी और नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।